आज मैं आपसे थोड़ी सी डिफरेंट बात करने वाला हूँ और एक बहुत ही बड़ी और मोस्ट इम्पोर्टेंट सच्चाई से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी हमने एक वेबसाइट को हमने अभी ओपन कर रखा है जिस कंपनी का नाम है epaymark.com। ये एक वेबसाइट है। इस कंपनी के बारे में आपसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी ने अपने रिटेलर्स के साथ में थोड़ा सा धोखाधड़ी किया है और जितने भी रिटेलर्स का इस कंपनी ने पैसा रोक रखा है वो हो सकता है कि 8-10 दिन के अंदर इनका सॉल्यूशन हो जाएगा और ये सभी का पैसा उनके पोर्टल पर वापस कर देंगे या पोर्टल को अनफ्रीज कर देंगे, जिससे कि जितना भी पैसा लोगों के पोर्टल्स पर लगा हुआ है वो अपना सेटलमेंट कर लें, मनी ट्रांसफ़र कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी ने क्या झोल किया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है। एक ईपे कंपनी के एक रिटेलर हैं जो मेरे यहाँ पर मार्केट में काम करते हैं और रॉयनेट के साथ भी काम करते हैं और ईपे की भी वो आईडी चला रहे थे। इस ईपे कंपनी पर ईपे संचालकों ने भरोसा क्यों किया और इस आईडी को क्यों लिया, इसका भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं। तो हम बात करते हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट आप अभी देख रहे हैं यहां पर 1,70,069 रुपए और 1,69,353 रुपया, यानी कि लगभग इनकी आईडी पर 3.5 लाख के समथिंग या उससे ऊपर पैसा अभी फंसा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ईपे कंपनी का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस कंपनी को हमारे यहाँ पर लगभग 30 से 35 लोग यूज़ करते थे। इस टाइम कोई भी यूज़ नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी ने अपने जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं, उन सब के बैलेंस को फ्रीज कर दिया है। कोई भी पोर्टल पर अब वर्क नहीं कर पा रहा है। कंपनी का ये कहना है कि आप AEPS करते रहिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा वापस करते रहेंगे। ये कब कहा था? लगभग आज से एक महीना पहले। आज की करंट की पोजीशन अगर मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो ये है कि इस कंपनी के जो भी ASM थे इस एरिया में, हमारे इस एरिया में, और जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे और किसी की भी शॉप पर जाकर उनको आईडी चिपका देते थे ये बोलकर, हाँ मैं आपको अभी ये बताने वाला था कि रिटेलर्स ने इस कंपनी को क्यों चुना और जितने भी शॉपकीपर्स इस कंपनी के बारे में सुनते थे तो वो क्यों इस कंपनी से जुड़ जाते थे, क्योंकि इन्होंने एक फैसिलिटी दे रखी थी पे अभी के नाम से जो इस कंपनी को ले डूबी। बिल्कुल सही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इस पे अभी सर्विस के माध्यम से आप कभी भी कितना भी किसी भी बैंक अकाउंट में जितना मर्जी आए उतना आप पैसा भेज सकते थे, यानी कि मूव टू बैंक कर सकते थे। अनलिमिटेड अकाउंट यहाँ पे ऐड होते थे और किसी का भी अकाउंट ऐड करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो यहाँ पर रिटेलर्स को ये चीज़ बहुत भा रही थी और वो बराबर इस कंपनी को पकड़ रही थे। लेकिन जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में थे उन सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले से ही बता के रखा था कि आप इस प्रकार की किसी भी कंपनी पर इतना ज़्यादा भरोसा मत करो कि इतना बैलेंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इतना बैलेंस आप अपने पोर्टल पर मेंटेन रखेंगे तो कंपनी कभी भी आपको धोखा देगी, और ये डेफिनेटली है। अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऐसा सुनने में आया कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10 करोड़ कंपनी लेकर भागी है। अब मुझे लेटेस्ट अपडेट मिली है कि 11,000 करोड़ कंपनी ने इस कंपनी ने घोटाला किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी भी कंपनी के एक आईडी को लेते हैं तो क्या सोच कर लेते हैं कि आप उसका, कि आप उस आईडी के साथ में काम करेंगे, अपनी बैंकिंग सर्विसेज अपने एरिया में प्रोवाइड कराएंगे, आपका नाम रोशन होगा, आप एक अच्छी इनकम कमा पाएंगे और जो भी 50-60 हज़ार रुपया आपके पास होता है काम करने के लिए, और इस प्रकार की टुच्ची कंपनियां आती हैं और आपके बैलेंस को साफ कर जाती हैं और फिर आप रोते रह जाते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता आपका। अब यहाँ पर एक लेटेस्ट बात मैं आपको ये भी बता दूँ इस कंपनी के बारे में, ईपे कंपनी को अगर आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं लग पाएगा। इनके जो मैनेजमेंट हैं वो गायब हो चुके हैं, इनका कोई पता नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉई से भी कनेक्टेड नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ पर लोकल एरिया में जितने भी इनके एम्प्लॉइज मारे मारे फिरते थे, शॉप टू शॉप जाते थे और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, वो भी अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनसे भी अब कंपनी कनेक्ट में नहीं है। यहाँ पर अभी किसी भी एम्प्लॉई का नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो भी एम्प्लॉई यहाँ पर वर्क कर रहे थे वो बहुत ही कंपनी के मैनेजमेंट में एक तरीके से घुसे हुए थे। वो उन लोगों का कहना यह है कि भाई कंपनी हमसे भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अब आप अगर आपका पोर्टल पर कोई भी बैलेंस पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, तो आप डायरेक्टली थाने में जाके इस कंपनी के खिलाफ FIR कर दो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी कंपनी का एक लीगल एम्प्लॉई ये बात कह रहा है कि कंपनी के खिलाफ FIR कर दो, तो इसका क्या मतलब निकल सकता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? यानी कि सीधा मतलब यह है कि कंपनी अब उनसे भी कनेक्ट नहीं है। कंपनी में कंपनी का जो भी मैनेजमेंट था, जो भी ऑनर डी
एम एम डी वगैरह जो कुछ थे वो सब रफू चक्कर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो चुकी है। अभी कुछ मैसेज भी आया था रिटेलर्स के पास में, कंपनी फॉरवर्ड कर रही है पता नहीं कैसे, वहाँ पे लिखा है कि कुछ रिटेलर्स ने हमारे पेमेंट गेटवे के साथ में फ्रॉड कर दिया है, जो हमारी इंटरनल ऑडिट चल रही है जिसकी वजह से हम थोड़ी परेशानी में हैं और बहुत ही जल्दी हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को, सभी पोर्टल्स को रीलॉन्च करेंगे, अपनी वेबसाइट को, सब चीज़ों को। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बस ऐसे ही गोली देने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको कोई भी एक्चुअल में प्रॉब्लम होती तो ये फेस, तो जितने भी इश्यूज हैं उनको फेस करते और टेक्निकल समस्याएं जितनी भी रिटेलर्स को आ रही हैं उनको समझाते, बताते, कम्युनिकेट करते अपने रिटेलर्स से, अपने एम्प्लॉई से। रिटेलर से अगर इनकी कोई कंपनी की बातचीत नहीं हो पा रही है, चलिए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि ये अपने एम्प्लॉई से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, जोनल हेड से कोई कनेक्शन नहीं है, अपने इनके ASM से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है मैनेजमेंट की। तो कुल मिला के अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये कंपनी जो है वो कोलकाता की है। मैंने अपने यहाँ पर जितने भी मेरे रॉयनेट पोर्टल को चला रहे थे रिटेलर्स, वो इस कंपनी पर स्विच हो गए। उनको स्विच होने से पहले मैंने उनको बताया था कि ये कंपनी कोलकाता की है, अगर ये कभी भी आपके साथ, अगर ये ई पे कंपनी कभी भी आपके साथ कोई भी झोल करती है तो आप कैसे बच पाएंगे? क्या आप कोलकाता जाएंगे अपने पैसे को लेने के लिए? क्या आपको इस कंपनी का ऑफिस उनके ठिकाने पर मिल पाएगा? ये सारे सवाल मैंने उन लोगों से ऑन टाइम किए थे, लेकिन उनको ये सारी मेरी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और आज की डेट में वो लोग जो इस कंपनी के थ्रू जुड़कर काम कर रहे थे वो सभी रो रहे हैं, क्योंकि वो सब के सब लूटे जा चुके हैं और एक बहुत मोटा पैसा उनका यहाँ से जा चुका है। ऑल ओवर इंडिया से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो अपडेट मिली है वो लगभग 11,000 करोड़ रुपये की इस कंपनी ने घोटाला किया है। अगर किसी को मेरी इन बातों से ऑब्जेक्शन होता है तो मैं चाहूंगा कि मेरी वीडियो में कमेंट करें और मुझे कांटेक्ट करें डायरेक्टली और मुझे बताएं कि अगर ये बात सच नहीं है तो फिर सच क्या है? क्यों आप लोगों का पैसा मारकर बैठे हो? क्यों आप अपनी टीम से ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो? क्यों आपका कहीं किसी से भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है? मैं ये जानना चाहूँगा। और सबसे पहली बात कि जितने भी लोगों का आपने पैसा रोक रख कर रखा हुआ है वो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप रिलीज़ कीजिए, उन लोगों का पैसा वापस कीजिए और आप फिर आपको जहाँ भी जाना है, भागना है, ख़त्म करना है, बिजनेस ख़त्म कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप लोगों के काम ही ऐसे हैं, एक 4 या 5 साल आपको हो चुके हैं काम करते करते और अब जाकर आपने 11,000 करोड़ रुपये का गबन किया है कि कहाँ पर आप लेकर जाएंगे इस पैसे को? हो सकता है कि आपका इरादा हो कि एक ऐसी कंपनी बनानी है जहाँ पर आपको एक बहुत मोटा पैसा आपके सर्वर में इकट्ठा हो जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर में, और फिर आप उस पैसे को लेकर गायब हो जाएंगे। ये इतना पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप इन छोटे छोटे लोगों का और जो छोटे छोटे जो रिटेलर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं ये बस गरीब लोग हैं, कोई 1 लाख रुपये अपने पॉइंट पर लेकर बैठा हुआ है, कोई 50,000 लेकर बैठा हुआ है, कहाँ से वो पैसा अरेंज करके अपना बिजनेस कर रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। अब उस पैसे को ही आपने जब्त कर लिया तो वो हो गया ना बर्बाद पूरा, अब उसका रोज़गार ख़त्म हो चुका है। अब एक बंदा इतना पैसा लेकर बैठा हुआ है, वो अब एक पैसा नहीं कमा पा रहा है, उसकी शॉप बंद हो चुकी है, शटर डाउन हो चुका है, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहाँ से इसकी भरपाई होगी? ओवरऑल मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, इस मैक्स पे कंपनी से, इस ई पे कंपनी से, पता नहीं कितने इस कंपनी के नाम हैं, कितने रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, यहाँ पर मैं अगर आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे कॉन्टैक्ट अस पे भी इनका क्लिक नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली देखिए कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रही है डिटेल, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बार बार मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी डिटेल इनकी शो नहीं कर रही है। इससे पहले यहाँ पे डिटेल्स भी आ रही थी, हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पर कुछ डिटेल्स आ रही हैं। इनका जो ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस है, वो इनका वेस्ट बंगाल में है, इनका कॉर्पोरेट ऑफिस कोलकाता में है, मुंबई में एक इनका ऑफिस है, बेंगलोर में ऑफिस है, पटना में ऑफिस है। अब ऑल ओवर इंडिया ये अपना काम कर रहे थे। अब मेरे एक बात समझ नहीं आ रही थी, मेरे एक बहुत ही ख़ास मित्र हैं जो इस कंपनी में एम्प्लॉय रह चुके हैं, उनसे जब मेरी इस कंपनी के बारे में बात होती तो उन्होंने बताया था ये कंपनी बहुत ही प्रॉफिट में जा रही थी। जब कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी तो ये सब घोटाला करने की क्या ज़रूरत थी? फिनटेक इंडस्ट्री में इतनी पॉपुलर और इतनी सक्सेस कंपनी को डेफिनेटली एक दिन के अंदर करोड़ों की इनकम होती है, तो जब आपको इनकम इतनी अच्छी खासी हो रही है फिर क्या मतलब था ये सब घोटाला करने का, आपके पोर्टल को बंद करने का, रिटेलर्स को जितने भी, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में फिनटेक्स इंडस्ट्री में जुड़कर जितने भी रिटेलर्स काम कर रहे हैं वो एक्चुअली गरीब ही होते हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप उनका पैसा मार कर कहां जाओगे? तो बहुत जल्द आप गवर्नमेंट के शिकंजे में ज़रूर पकड़े जाओगे और ये पैसा आपको इतनी आसानी से हजम नहीं होने वाला है। तो जितने भी ई पे कंपनी के रिटेलर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप
आपके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमारी ये बात अगर उन तक ना पहुंच पाए तो कम से कम गवर्नमेंट तक पहुंच पाए और इसका आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन सरकार के द्वारा निकाला जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।